देख रहे हैं हेयर इज द डिश। हम बनाएंगे पंचमेल दाल। बहुत आसान है, इसमें पांच तरह की दाल हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे स्पेशली पार्टी के साथ खाना बहुत पसंद है, लेकिन आप चाहे तो आप इसे नॉर्मली भी अपने डेली यूज़ के लिए बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए जो जो सामग्री चाहिए वो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके लिए हमें जाना होगा किचन में। तो चलिए किचन में चलते हैं और मैं आपको अपनी सामग्री दिखा देती हूँ और बताती हूँ कैसे बनती है। पंचमिल दाल के लिए मैंने यहाँ पर ली है स्प्लिट उड़द की दाल, धुली हुई मूंग की दाल, तुअर की दाल, चने की दाल और मसूर की दाल। मैंने दाल को अच्छे से तीन चार बार धो लिया है और फिर साफ पानी में इसे भिगोकर रख दिया है। और यहाँ पर हम लेंगे हल्दी, कसूरी मेथी और लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला जो कि मैंने हाथ से घर में पीसा है, इसमें मैंने लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी सबको एक पीस लिया है एकदम बारीक, और धनिया पाउडर, जीरा, हींग, नमक, घी, ऑयल और तेज पत्ता और सूखी साबुत लाल मिर्च, कटे हुए प्याज, टमाटर, चॉप्ड गार्लिक और हरी मिर्च। सो आज जो हम दाल बनाने वाले हैं, इसके लिए हमें दाल अलग से नहीं उबालनी है, तड़का अलग से नहीं बनाना है, आज हम पूरी दाल एक ही कुकर में बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी, और साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं घी और तेल एक साथ इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब घी और तेल एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो जब सब्जी बनकर तैयार होती है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। आप देखिएगा लास्ट में जब इसका मैं आपको दिखाऊंगी इसका कलर। तो यहाँ पर हमारा घी और तेल हमने डाल दिया है, अब हम इन्हें अच्छे से गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम डालेंगे हमारे तेज पत्ता और बाकी के मसाले। तो घी अभी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा जीरा और हींग। और साथ ही में हम डाल देंगे साबुत लाल मिर्च और तेज पत्ता। तो अभी सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची और गार्लिक जो कि हमने काट के रखा हुआ है, और उन्हें अच्छे से पका लेंगे उनका कच्चापन जाने तक। और अभी हम इसमें डालेंगे प्याज, और इन्हें अच्छे से पका लेंगे। इन्हें इतना पकाना है कि प्याज का कच्चापन निकल जाए एकदम से। और साथ में हम डाल देंगे इसमें अभी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डालने के बाद कुकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये डाल दिया हमने नमक, और अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं और प्याज को पकने देते हैं। प्याज एकदम पक चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, टमाटर को हमने बहुत बारीक नहीं काटा है, थोड़ा सा मोटा रखा है। टमाटर को हमने बहुत थोड़ा सा पका लिया है, अब हम इसमें सारे मसाले अभी डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर और कसूरी मेथी, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, और अब पांच
से 7 मिनट के लिए हम मसालों को अच्छे से पकने देंगे। दाल डालकर इसे प्रेशर कुक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मसाले एकदम अच्छे से पक गए हैं, क्योंकि ग्रेवी ने हमारे हल्का हल्का तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाले पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दाल, जो कि हमने पहले से पानी में भिगो कर रखी है। और थोड़ा सा पानी, भाई दाल का पानी कितना रखना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी पतली दाल चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा पतली दाल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा डाला है। अगर आपको पतली चाहिए तो आप और भी डाल सकते हैं, या फिर बनने के बाद भी आप इसको वापस से कुक कर सकते हैं एक बार और। तो अब इसे प्रेशर कुक करने के लिए हम इसे तैयार करके ढक्कन लगा देते हैं। और अब हम तकरीबन 5 से 6 इसमें सीटी लेंगे, क्योंकि चने की दाल और तुअर की दाल को पकने। दाल बनकर तैयार है, तो अब हम इसे खोल लेते हैं। इसका प्रेशर पूरा निकल चुका है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और ये कलर आया है जो मैंने घी और तेल मिला के बनाया है। तो चलिए दाल हमारी एकदम तैयार है, अब हम इसे डिश में निकाल लेते हैं। तो दाल एकदम तैयार है, आप इसे बाटी के साथ या फिर रोटी पराठा, आप जिसके साथ भी खाना चाहते हैं आप इसे खा सकते हैं। दाल बनकर एकदम तैयार है, आप इसे चाहे जिसके साथ खाएं, एक बात की गारंटी है लाजवाब बहुत होने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।